तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी फ्री फायर मैच की न्यू थीम। हाँ, तो ये अपडेट के बाद वाला आपको गेम प्ले देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बीआर रैंक का सीजन चेंज हुआ है और आपका भाई यहाँ पे कर रहा है रैंक पुश। तो देखते हैं कि आज का गेम कैसा जाने वाला है। ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले है, अभी मैं प्लेटिनम 4 के ऊपर हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि कितने गेम प्ले के बाद मैं यहाँ पे हेरोइक पे पहुंच पाऊंगा, डायमंड 1 पे मैं कितने पे जा पाऊंगा, कितने गेम खेलने के बाद कितने किल मेरे इस वाले गेम में होंगे, वो भी एक देखने वाली बात होगी। देखो मेरे पास ऐसा लग रहा है ना, लेवल 1 का बैकपैक पहले से ही है। देखो देखने में तो पता चल रहा है, हाँ भाई मेरे पास पहले से ही है, पता नहीं क्यों है, क्योंकि यार वैसे आता तो नहीं है ना, अपने को ढूंढना पड़ता है, बट मेरे पास है, शायद मैंने कुछ लगाया होगा इसलिए। देखो मेरे पास पहले से ही है ना, इसने टांग रखा है। चलो ठीक है, बट मुझे यहाँ पे चाहिए लेवल 3 का बैकपैक, क्योंकि 1 से अपना काम नहीं बनने वाला है। और इसने यार टांग रखा है नॉर्मली। देखो मुझे लग रहा है ना ग्राफिक चेंज हो गया क्या थोड़े से। यार मैं गया यार बंदा, यहाँ पे गन भी नहीं है मेरे पास, कैसे मारूंगा मैं इसको। शिट भाई, स्टार्ट होते ही आपका भाई ख़त्म हो गया और तुरंत ही रिवाइव भी मिल गया मुझे। ये होती है किस्मत भाई, तुरंत ही मैं खत्म हुआ, तुरंत ही मुझे रिवाइव भी यहाँ पे मिल चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो चुकी है। अभी देर में रिवाइव हुआ हूँ, रुदेव बंदा यहाँ पे अपना नॉक हो चुका है, फिनिश भी हो जाएगा। मियाँ भाई नाम रखा है भाई, मियाँ भाई नहीं नूब भाई नाम रख भाई तू, मियाँ भाई नहीं नूब भाई है भाई तू, एक नंबर का इसका नाम ना नूब भाई कर देना चाहिए इसको। अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में होता तो हैश लगा के नूब भाई में कर देता इसका नाम, बट कोई बात नहीं यार, मेरे फ्रेंड लिस्ट का है नहीं, रेंडम बंदा है तो छोड़ो इसको। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि भाई देखो अभी मेरे पास बिजोन और UMP है। अब यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे ना 400 में रिवाइव होना शायद बंद हो गया, इसीलिए अपने फ्रेंड जो है ना वो अपने को 600 वाला रिवाइव करते हैं, वरना भाई ये वो वाला भी कर सकते थे, क्या बोलते हैं उसको 400 वाला, बट भाई 400 वाला शायद होना बंद हो गया है। सो इनकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी UMP मिल गए, बट यार मेरे पास जब पहले से मुझे बिजोन मिलती है ना तो फिर भाई कोई फायदा होता नहीं है कि UMP अपने को मिल जाए तो कोई ज़्यादा ही कुछ अपने को फायदा वायदा। चलाऊंगा तो मैं वैसे भी बिजोन ही, मुझे अच्छी लगती है बिजोन। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई रेड कलर की गन पड़ी है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चल के वहाँ पे, इधर की तरफ भी बंदा लग रहा है मुझे, बट पहले चेक करने वाली बात होगी। यार बस रेड कलर का यहाँ पे जल रहा है कोई, मतलब बंदा मरा हुआ पड़ा है, उसकी पेटी है यहाँ पे, और मुझे लगा था कि कोई रेड कलर की गन मिल जाएगी। चलो अच्छी बात है, वुड पेकर मिल गई जो कि लॉन्ग रेंज गन है, तो काफ़ी ज़्यादा सही बात हो चुकी है अभी। अब अगर कोई लॉन्ग रेंज से बंदा मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। अब यार वैसे वुड पेकर काफ़ी ज़्यादा सही गन है। AC बंदा है भाई, पता ही नहीं चला भाई। यार एमओ के निशान अभी थोड़े अलग दिखा रहा है ना, बुलेट्स कैसी आती हुई दिखती है अपने को खतरनाक तरीके से। मुझे लगता है थोड़ा सा ग्राफिक वगैरह इंक्रीज़ कर दिए गए हैं या फिर मैंने इंक्रीज़ कर लिया। वैसे तो मैं यार हमेशा से ही हाई ग्राफिक पे ही खेलता था, हाई क्या जो भी इसका मतलब मैक्स होता है, मैक्स पे ही खेलता था मैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था, देखो शेडो वेडो देखो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा चेंज हो गया है। तो चलो ठीक है, यहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ इस जगह पर, क्योंकि सामने मुझे दिख रहा है कि एक ड्रॉप चार्ज किया जा रहा है, चार्ज नहीं किया जा रहा है, गिरा है वो ड्रॉप, भी चार्ज तो करेंगे। रेड कलर का निशान आ रहा है, मतलब वहाँ पे बंदे होंगे, एक इस घर में भी बंदा मुझे लग रहा है, निशान तो दिख रहा है भाई। ये देखो रेड कलर का कूद रहा है नीचे यार, उसको मेरी लोकेशन पता चल गई, क्योंकि मैं ऐसे सीधा निकल रहा हूँ नीचे की तरफ और मैं उसको पर रस मारूंगा। अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो भाग जाए, मैं उसको ना पकड़ पाऊँ, बट अगर भागने की कोशिश नहीं करेगा ना, इस तरफ भी आ रहा होगा ना अपनी तरफ, तो पक्का वो मारा जाएगा। ये रहा, पता था भाई मुझे, मैंने वुड पेकर चलाई थी ना, ये इधर ही आएगा मुझे पता था। अब ये गया, कहाँ से आ रहा है भाई, ग्रेनेड फेंक रहा है, ग्रेनेड फेंक रहा है, तू तो गया बेटे। चलो भाई फर्स्ट किल आपके भाई का निकल चुका है, 1600 मेरे पास यहाँ पे टोकन है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे निकल लेता हूँ, क्योंकि यार अब देखो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आने वाला है, एक ही बंदा था जिसको मैंने यहाँ पे निपटा दिया है, और कोई होता तो वो सीधा मेरे ऊपर रस मारता इसके फ्रेंड्स वगैरह, बट इसके फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं, क्योंकि ये नॉक नहीं हुआ है। ये चीज़ आपने नोटिस अगर करी होगी तो ये नॉक नहीं हुआ है, डायरेक्ट फिनिश हुआ है, इसका मतलब इसका कोई फ्रेंड जिंदा है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे जो भी लूट वगैरह करनी थी, थोड़ी मेडिकेट वगैरह लूट ली, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है और जॉन भी इस तरफ नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ से सीधा आ जाता हूँ फैक्ट्री की तरफ, क्योंकि फैक्ट्री की तरफ हो सकता है कि बंदे हों, क्योंकि लास्ट वाला जोन का भी आप देख सकते हो ग्रीन लाइन यहीं पर दिखा रहा है अपने को। मैं सोच रहा हूँ कुछ परचेस कर लेता हूँ, यहाँ पे यार एक ऑप्शन आया जहाँ से ना मैं न्यू एबिलिटी को परचेस कर सकता हूँ। अरे बंदा आ गया भाई, बंदा तो भाई और पीछा नहीं छोड़ रहा है, बट इसको पता नहीं है कि मैं कौन चीज़ हूँ भाई, इसकी हालत मैं ख़राब कर देने वाला हूँ। रस मार दे बस एक बार ये मेरे ऊपर। अब देखो लोकेशन तो उसकी दिखा रहा है, बट वो रस नहीं मार रहा है, पता नहीं क्यों, पीछे की तरफ भी लोकेशन दिखा रहा है, शायद पीछे से आएगा। बंदा है भाई, आगे मार रहा है किसी को, तू तो गया। बिजोन है भाई, बिजोन भी वैसे अच्छी चलती है यार, बिजोन तो भी चला के देखना, जिसने नहीं चलाई है ना वो चला के देखना भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था चलाने में। इसकी परमानेंट गन नहीं हो वो चला के देख सकता, ये भी गया, रेडी लगेगा इसको भी, ये चला रहा है MP5 भाई, MP5 वाले को लपेट दिया बिजोन से, गया। ओ भाई ये शॉट गन, अरे इसने मेरे से पहले वो, चलो भाई ये काम तो आया थोड़ा भाई साहब। क्वार्टर की लोग अभी ना, मैं 100% बोल रहा हूँ मैं हार जाता, वो मेरे पास अच्छा हुआ कि क्रोनो मैंने यहाँ से परचेस कर लिया था टोकन्स की मदद से।
अब यहाँ पे ना अपन एबिलिटी वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। तो मैंने एक और चीज़ कुछ परचेस करा है जिसको ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है, टेलीपोर्ट कुछ लिखा रहा था। तो टेलीपोर्ट वाली क्या चीज़ है वो मुझे यूज़ करके देखना है, बट अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में यूज़ करके देख लेंगे जब टाइम पड़ेगा। अभी तो खैर उसकी कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। यहाँ से अपने को थोड़ी बहुत और लूट वगैरह मिल चुकी है। मैं सोच रहा हूँ मैक 7 ले लूँ क्या। मैक 7 यार अच्छी गन होगी, क्योंकि मैक 7 का मेरे ऊपर लिखा भी आता है। वैसे देखो बिजोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गन है और वो बंदे के पास मैक 7 थी, बट फिर भी वो मुझे मार नहीं पाया, तो कितना ज़्यादा कमज़ोर प्लेयर होगा। बट एक बात ये भी कि उसकी मैक 7 ना रिलोड पे चली गई थी, बट यार नहीं भी गई थी फिर भी वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाया था। और ओरिन भी वो मुझसे पहले बन गया था। यहाँ पे एक प्लेयर और जा चुका है, नूब भाई। तो नूब भाई को यहाँ पे रिवाइव कर देते हैं सबसे पहले। चलो भाई टोकन है ना मेरे पास, हाँ मैं रिवाइव इसको कर सकता हूँ। मैं वैसे परचेज भी कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, इसको रिवाइव करेंगे। मतलब ऐसी बात नहीं रिवाइव नहीं करूँगा, क्योंकि यार देखो रेंडम भी प्लेयर होता है ना, बट अगर आपके भाई के पास टोकन है तो मैं रिवाइव कर देता हूँ। यार ऐसा मज़ा नहीं आता यार फिर कोई बंदा, मतलब भले वो मियाँ भाई हो, नूब भाई हो, कोई भी भाई हो, बट रिवाइव कर देते हैं भाई अपन उसको यार। बट कोई भी बात हो, ऐसा लग रहा है ना जैसे ग्राफिक तो यार चेंज करे हैं गरीना ने और काफ़ी ज़्यादा सही कर दिया। देखो ट्रीज़ वगैरह भी और कुछ कुछ चीज़ें, ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि हाँ यार ग्राफिक थोड़े से तगड़े कर दिए। शेडो भी काफ़ी ज़्यादा दिखने लगी है और ब्राइट भी थोड़ा कर दिया गया है गेम को। अब सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़े थोड़े चेंजेज वगैरह किए गए हैं ग्राफिक के अंदर, या फिर आपको भी लगता है मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं इस चीज़ को। चलो ठीक है, यहाँ पे एक बंदा मुझे लग रहा है कूदा है, तो इसको मैं लपेटूंगा। ये रहा, अच्छा अरे यार शिट भाई किल चला गया मेरा। सेम एसपी, तूने बहुत ज़्यादा गलत किया मेरा किल चुरा गया। कोई बात नहीं, और सामने की तरफ एक क्लियर नॉक है तो मैं किल लपेट सकता हूँ। ऑलराइट, ये किल तो यार ऑफकोर्स देखो मेरे किसी फ्रेंड का नहीं, क्योंकि अगर मेरा कोई फ्रेंड उसको नॉक करता ना तो 100% बात है भाई कि वो किल उसी को मिलता, भले मैं उसको फिनिश करता किल उसी के पास जाता। नूब भाई फिर से नॉक हो गए भाई। इसका नाम ना मैंने वैसे ही नूब नहीं रखा है, मैं रिवाइव करने गया था यार, बट 400 वाला रिवाइव हो नहीं रहा है भाई। देखो मैंने इसका नाम, मैं बोल रहा हूँ आपको मियाँ भाई को हटा के इसको नूब भाई करना चाहिए, कि भाई रियलिटी में नूब है भाई, इसे कुछ बनता बनता है नहीं खेलने। देखो फिर से मर गया, 3-4 बार मेरे सामने ही मर चुका है ये। चलो ठीक है, यहाँ पे इस प्लेयर को निपटाऊंगा मैं, ये डैमेज है। अब मेड ही मार रहा था, 6 किल भाई, 6 किल हो गए। कितनी ज़्यादा सही बात है ना यार, मतलब फर्स्ट वाला गेम इतने किल निकल चुके हैं आपके भाई के। रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि टोकन है, बट ये नूब भाई को नहीं करूँगा मैं भाई। मैंने पहले ही सोचा था नूब भाई को करने का, बट अच्छी बात है अपना 4 नंबर मर चुका है। 4 नंबर को एक बार को रिवाइव करके मैं खुश हो जाऊँगा, बट भाई ये नूब भाई को रिवाइव करने से कोई फ़ायदा है नहीं। पता नहीं कौन बोट बंदा आ गया भाई रेंडम, और टोकन होते तो यार मैं रिवाइव कर भी देता। देखो 300 टोकन है तो वैसे भी मैं रिवाइव नहीं कर सकता, यहाँ पे बंदा है। चलो ठीक है, मैं रिलोड वगैरह कर देता हूँ उनको। ये तो गया, अरे किल जाएगा भाई मेरा, ये 2 बंदे हैं भाई, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। 2 बंदे, ये नॉक है, अरे ये इसी को मार रहा था, मुझे लगा इसका बंदा होगा ये, बट ये रेंडम है, अलग बंदा है। शिट भाई शिट, लपेट देगा भाई। मैंने कितनी स्लो ग्लू वो लगाई ना, बट फिर भी वो मुझे मार नहीं पाया, मतलब बंदा तो वो भी ख़त्म ही है, बट किल लेके चला गया यार वो, मतलब मेरे आँख के सामने किल उसने लपेट दिया। मैंने अच्छा खासा उसको डैमेज दिया था और ये भी बंदा यहाँ पे मारा जा चुका है। अब यार मेन प्रॉब्लम वाली बात है, मेरी मैक 7 में गोली बहुत एक ही बार ख़त्म भाई ख़त्म। चलो अब बूट पेकर से मारो भाई, गोली ख़त्म हो गई मैक 7 में। क्या ख़राब लग रहा है, गोली ख़त्म हो गई मैक 7 में। लो भाई कितने बोट बंदे हैं यार, यार कसम से आप कितने, अगर भाई ने अभी 9 किल मार दी, बट ये प्लेयर कितने ज़्यादा कमज़ोर थे यार। मतलब मैंने उसको वुड पिकर से ही हेड मार दिया, वुड पिकर से ही मैंने उसको ख़त्म कर दिया यार। मेरी मैक 7 में गोली ख़त्म हो गई, बताओ एक भी गोली नहीं मेरे मैक 7 में। वुड पिकर से ही मैंने क्लोज रेंज में लपेट दिया दोनों बंदों का। मैं मरने वाला हूँ, मैं वो टेलीपोर्ट वाला यूज़ कर लेता हूँ, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, कर दे यार जो उनके अंदर मेरे को टेलीपोर्ट कर देता तो मैं बच जाता। पर ये टेलीपोर्ट वाली चीज़ भी किसी काम की नहीं निकली, पता नहीं फालतू की चीज़ है यार, देख रहे हो ना, पता नहीं क्या यूज़ आएगी मुझे पता ही नहीं है इसका। चलो छोड़ो गेम ख़त्म। आपका भाई प्लेटिनम 4 से पहुंच चुका है डायमंड फर्स्ट पे, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। फर्स्ट वाला गेम था, रैंक पुश अब हम करते रहेंगे, जैसे क्या गेम प्ले वगैरह जाएंगे मैं उसकी वीडियो आपको देते रहूँगा। 9 किल आपके भाई ने करे, 4 किल यहाँ पे गौरव भाई ने किए, नूब भाई ने 1 किल और सेम एसपी ने और कितने 3 किल। तो यही कुछ है वीडियो में, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी है, मज़ा आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, सारे वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। आप बता सकते हो कि इसमें आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। चलो फिर मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।